हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया सर। क्या एवरेज रेट की गाय है आज? आज सर मतलब कि 75 तक है जी। और मिल्किंग एवरेज? मिल्किंग एवरेज 30 प्लस की है, कोई मतलब कि एक दो 40 लीटर वाली भी है और 35 लीटर 30 लीटर वाली। टोटल कितनी गाय है जी? टोटल जी 5 गायें जा रही है सर। किस एरिया में जा रही है जी? गुजरात भड़ोली में जा रही है जी। ऑनलाइन ऑर्डर है? ऑनलाइन ऑर्डर है जी। ठीक है जी। और गारंटी क्या लेते हो आपके 30 लीटर दूध देगी 35 लीटर दूध देगी उसकी क्या गारंटी रहती है आपके फार्म की? सबसे बड़ी बात तो सर ये विश्वास की, और सेकंड ब्रीड, और तीसरा अगर जे कोई कस्टमर नहीं विश्वास करता सर, उसको दो टाइम प्रेग्नेंट गाय होती है टोकन मनी डाल दे दो, मतलब कि जब गाय जन गए उसके बाद ले जा सकता है जी। ठीक है जी। दो टाइम मिल्किंग कर ले, ठीक है भी, दो तीन दिन के अंदर जितना मिल्किंग करती है पता लग जाता है भी इतनी खीस निकल रही है गाय के अंदर से, तो उतने मिल्किंग के ऊपर आ जाती है जी। तो ऑनलाइन ऑर्डर का क्या प्रोसीजर रहता है भाई आपका? ऑनलाइन ऑर्डर में सर पर गाय का 10,000 टोकन लेते हैं जी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को वीडियो सेंड करते हैं, ठीक है, वो उधर से जो जो गाय सिलेक्ट करता है, जैसे 10 गाय लेनी है जी, उसको 20 वीडियो सेंड कर दी गाय के अलग अलग फार्म में जो अवेलेबल है, ठीक है, उनमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से वो 10 गाय सिलेक्ट कर लेते हैं जी, और उसके हिसाब से अगर 10 गाय लेनी है तो 1,00,000 टोकन मनी मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। बिल पक्का देते हो? बिल पक्का जी। ठीक है। अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और जो हमारा GST बिल है, जशन डेयरी फार्म में हर वीडियो में बोलता हूँ रजिस्टर्ड है सर, तो वो मतलब कि उसका बिल और सारी चीज भेज देते हैं सर पहले। वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी रहती है? वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी, बाहर सर गाड़ी लगी हुई है, साथ में केयर टेकर जा रहा है, ठीक है, सारी जिम्मेवारी उसकी है, उसको केयर टेकर को भी पूरी नॉलेज है सर गाय के बारे में। क्या खास बात का ध्यान रखना चाहिए जब कोई गाय खरीद रहा है पंजाब में आ रहा है या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, कोई दो चार बात जो मेनली ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनके साथ ठगी ना हो, धोखा ना हो? आप एक डीलिंग का काम करते हो, अच्छी आपको नॉलेज है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इन दो चार बातों का ध्यान रखना चाहिए जी? सबसे बड़ी बात तो जी मतलब कि भी जो जिस किसी में से, मेरे से नहीं, जिस किसी से भी कोई कस्टमर आ रहा है दूर से आ रहा है गाय लेने के लिए जी, सबसे बड़ी बात तो उसकी सर मतलब कि कमेंट देखा करो। आजकल YouTube का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई वीडियो डाल रहा है, लेकिन हर कोई मतलब कि YouTube के ऊपर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात तो उसके कमेंट चेक किया करो, ठीक है, फिर उसके मतलब कि फार्म पे जाओ सर, देखो उसके पास कैसी ब्रीड है, ठीक है, कैसा वो काम कर रहा है। हर एक ब्लैक और वाइट मतलब कि गाय होती है जो वो मतलब कि ये 35 लीटर दूध नहीं निकालती जी, ठीक है, कोई 15 लीटर वाली भी ब्लैक और वाइट होती है वो क्रॉस में होती है सर, जो ब्रीड होती है वो मतलब कि 35-36 लीटर मतलब 30 के प्लस प्लस चलती है जी, ठीक है। और सर एक बात और मतलब कि जैसे कस्टमर आपको वहाँ से, आप कस्टमर वहाँ से सर कॉल करता है यूट्यूब के ऊपर, और जो डीलर होता है आगे का सर, वो किस टाइप से आपके आपसे बात कर रहा है जी, ठीक है, और वो जो बात फ़ोन पे कर रहा है वही बात यहाँ पे आके निकल रही है सर, वो चीज़ नोटिस करी जाती है, और ब्रीड को देखो सर मेन चीज़। हाँ कभी कभी होता है ना कस्टमर बुलाने के लालच में फ़ोन पे बात और होती है, जहाँ पर आकर कुछ नहीं निकलता, मतलब कि फ़ोन पे बोल देते हैं HF गाय सर 30,000 में मिल जाती है, 20,000 में मिल जाती है, ठीक है, ऐसा सर किसी को मिसगाइड करके मत बुलाओ जी, ठीक है। सही है ये बात, मैं भी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों जो कह देते हैं कि 20,000 में 30,000 में HF मिलेगी, वो HF कभी नहीं मिलेगी। जे गाय खड़ी है, जे गाय कोई 60 में होगी, कोई 70 में होगी, जो आपको बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी 60,000 से ऊपर ऊपर मिलेगी। अपने मालवा फार्म चैनल पे भी हमने वीडियो डाली होगी कि 20,000 में गाय मिल रही है, 30,000 में गाय मिल रही है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि 20-30,000 में आपको HF मिल जाएगी। हमने बकायदा बताया है कि ये देसी गाय है, क्रॉस गाय है, जो 10-12 लीटर दूध देगी। अब आपको भी पता होगा 3500 लीटर वाली 30,000 में कहाँ मिलेगी, वो तो 50,000 में भी नहीं मिलती। गायें तो सर मंडी में 20,000 से स्टार्ट हो जाती है जी, गायें 10,000 से भी स्टार्ट हो जाती है जी, गायें 1,00,000 की भी आती है जी, अलग वो ब्रीड और उसके ऊपर रहता है जी, मिल्किंग के और ब्रीड के ऊपर रहता है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना जी, हम भी वीडियो डालते हैं, गायें 20,000 भी होती है, 30,000 की भी, और गायें 1,00,000 की भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो फर्क तो होता ही है ना। हाँ जी, कहीं पे अभी जे आपके पास स्टॉक की ब्रीड है, जे देखो किसान भाइयों, अभी जे गायें आपको 20-30,000 में कहाँ मिल जाएगी? कोई फोन पे बोल भी देगा कि 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में HF देंगे, ऐसी गायें तो आपको 45-50 में भी नहीं मिलेगी। अभी सर इनके 10-10-15-15 दिन पड़े हैं, मिल्क वाली भेन देखो सर नीचे अंडर के ऊपर मैटर करती है ना, ये देखो सर अभी सर 15 दिन पड़े हैं इसके जी। जी वो ब्रीड तो अलग ही दिखती है, वो ब्रीड अलग ही दिखती है जी, सबसे अलग दिखती है, एक अनोखी चीज दिखती है जो ब्रीड होती है जी। सचिन भाई आपका क्या कहना है, आप गांव में भी काम करते हो, आप मंडी पे भी काम करते हो, जो किसान पंजाब में गाय खरीदने के लिए आ रहा है उससे गाय मंडी पे खरीदनी चाहिए जाकर, या फिर घर में जाकर गांव में घूम घूम कर गाय खरीदनी चाहिए? सबसे सर ये बात है मतलब कि जिसके पास, जो जिसके पास टाइम कम है सर, एक दिन का टाइम है, वो सर मंडी में आए, मंडी में आके गाय खरीदे, जिसके पास दो दिन का, तीन दिन का जैसे टाइम है, 5-6 दिन का,
तो सर वो घर पे आए, रहने की खाने पीने की फुल फैसिलिटी है सर, किसी चीज़ की भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन आए, पहले नॉलेज लें, उसके बाद सर गाय खरीदे। ये सर मतलब कि आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं जिन्होंने कस्टमर है। हाँ कस्टमर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए बोलिए, क्या हाल है जी? और बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नाम और एड्रेस बता दो जी। घनश्याम पटेल, गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट से। और गाय कैसी मिल गई? आपने वीडियो देखी होगी जी गाय की। बढ़िया है गाय, सचिन भाई ने जैसा बोला था और वैसा मेरे को मिल गया गाय, ठीक है। और रेट कैसा लगा सचिन का जी? रेट भी कंप्लीट है, गाय के हिसाब से रेट भी कंप्लीट ही है, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, सचिन में ऐसा क्या देखा कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद इनको पैसे डलवाएंगे, हमारे साथ ठगी बेईमानी नहीं होगी? वो सचिन भाई का मैंने वो अभी अगली वो पांच गाय वाला वीडियो देखा था ना जी, अगली गाय वाला भी अगली अगला वीडियो डाला सचिन भाई ने, उसमें थोड़ा गाय देखी और मैंने उस शाम को ही फोन किया, सचिन भाई ये गाय परचेस हो गई क्या? सचिन भाई ने बोला कि भाई इससे भी बढ़िया ब्रीड वाली गाय आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसा बोला। और थोड़ा विश्वास मेरे को आया और आज सुबह को उसका वीडियो बुलाया, मैंने बोला था मेरे को इतनी ही लेनी है, ज्यादा कहोगे तो नहीं, क्योंकि मेरा बजट नहीं है, वो इस बजट के हिसाब से गाय भी अच्छी दिखाई और ये रेट में भी मिल गई। तो अभी आगे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो आपके एरिया के गाय खरीदना चाहते हैं, वो सचिन भाई से गाय खरीद सकते हैं, ये सही काम करते हैं? सही सही काम करते हैं, जैसा बोला था वैसा हुआ, जितना फोन किया उतना उठाया और सामने से भी रिस्पॉन्स इतना ही आया कि भाई जैसा मिलना चाहिए सामने से। अभी आपका ऑर्डर जो पूरा हो गया, आज बस 10-15 मिनट के बाद ये गाड़ी लोड कर रहे हैं, और अब पैसे की ठगी तो नहीं हुई? जितना पैसा दिया था उतनी गाय आपको मिल गई? जी मिल गई। और जो बातें फोन पे की थी वो बातें पूरी कर दी इन्होंने? पूरी कर दी, ठीक है जी। सेटिस्फाई हो मतलब आप? चीज ऐसी अच्छी मिलनी चाहिए, रेट अच्छा होना चाहिए, रेट कम रेट में मिल जाना चाहिए, वो चीज भी मेरे को मिल गई। जी जी ठीक है। तो आगे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे, टेंशन फ्री होकर इनसे गाय खरीद सकते हैं, ये सही आदमी है? मैंने बोला सचिन भाई को भी, बोला कि भाई सचिन भाई अभी बढ़िया है, और सचिन भाई को भी बोला कि भाई हमारी दलवान वाला तो चल रहा है साइड, ये ओवर रेट की 25-26 गाय परचेस करने वाले हैं गुजरात हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट वाले, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई सचिन भाई अच्छा आदमी है, उसके पास जाओ, क्योंकि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी जी, तो मैं ऐसा अच्छा ही बोलूंगा जी। ओके, धन्यवाद भाई साहब जी। ओके ओके सर, थैंक यू। तो क्या कहना चाहूंगी जी, बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। जी सर, आपके सामने है सर, मैंने कुछ उनको सिखाया नहीं पढ़ाया नहीं, आज ही उन्होंने गाय मतलब कि कल ऑर्डर दिया था सर मेरे को, आज उनका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया सर। एक दिन में दो दिन लगे? नहीं एक दिन, कल शाम को उन्होंने ऑर्डर पेमेंट डाली थी सर, टोकन मनी डाल दिया था, आज ही एक दिन में पूरी कर दी सर, आज गाड़ी लोड हो रही है। तो सचिन भाई अभी गाय के बारे में बता दो, ये गाय कौन से ब्यांत की है? ये सर साइकिल इलेक्ट्रिशियन की है जी। ग्याबन है जी, अभी 15 दिन पड़े हैं सर इसके। पहलवान ने दूध कितना दिया है? पहलवान ने सर इसने 25 प्लस दिया जी, इस बार 30 लीटर मिल्किंग करेगी जी। 30 लीटर गारंटी से? गारंटी से सर। फेस की क्वालिटी देखो सर, प्योर ब्रीड में है सर, कान का साइज देखो, फेस देखो कितना अच्छा है। रेट क्या है जी, किस रेट पे सेल की है? रेट जी 73 में सेल की है जी। 73,000 जी सर। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, गाय की आप क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, रात के समय में कैमरे में उतनी क्वालिटी कैच नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। दूसरे ब्यांत की गाय है और 73,000 में यहाँ से सेल होकर गुजरात जा रही है, ऑनलाइन गाय सेल हुई है, क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, छोटे कान की है और फेस क्वालिटी आप देख सकते हो, ब्रीड क्वालिटी देख सकते हो। ये गाय कौन से ब्यांत में? ये सर सेकंड लैक्टेशन में अभी। और क्या दूध की रहेगी? दूध सर फर्स्ट लैक्टेशन इसने 35 प्लस दिया जी, अब 40 लीटर मिल्किंग करेगी जी आराम से, मैंने कस्टमर को 33 लीटर बोल के दिए जी। 40 करेगी जी। और रेट क्या है जी 40 लीटर वाली का? 79,000 जी। तो किसान भाइयों, जे गाय देख सकते हो दूसरे ब्यांत में है, 79,000 गाय का रेट है और अब की बार 40 लीटर दूध करेगी, लेकिन कस्टमर को 33 का बोला है और सचिन कह रहे हैं कि 40 लीटर दूध करेगी। क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, जैसा रेट लगाओगे वैसी आपको गाय की क्वालिटी मिल जाएगी। अगर वीडियो दिन समय बनता तो दिन समय वीडियो का जो क्वालिटी आती, गाय की क्वालिटी आती, वो अच्छे तरीके से आप जज कर लेते। काफ़ी शानदार क्वालिटी की, उम्दा क्वालिटी की गाय आज इन्होंने ऑनलाइन गुजरात भेजी है। इस फार्म से कभी भी आप ऑनलाइन गाय खरीद सकते हो, ऑफलाइन गाय खरीद सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो 40 लीटर की गारंटी ले रहे हैं,
अभी कुछ किसान कह देंगे कि 40 बोल देते हैं, 40 नहीं देगी। तो आपके पास ये तो गाय ज्ञापन है, इनके पास जिन गाय की डिलीवरी हो चुकी है वो गाय भी आप खरीद सकते हो। यहाँ पर आकर एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम दूध निकाल कर अपनी तसल्ली करके गाय खरीद सकते हो। जे गाय कौन से भी आते हैं ये सर? फर्स्ट लैक्टेशन में जी, फर्स्ट में मुंह से दो दांत है जी, फेस देखो जी इसका, काफी सुंदर है ना जी। ज्ञापन है जी? ज्ञापन है जी भाई। कितने दिन ले जाएगी ये सर? अभी ले जाएगी 10 दिन आराम से। और दूध क्या देगी जी? दूध जी 20+ बोल के दिए जी। 20+? 20+। और किस रेट पे? रेट जी इसका 65 जी। 65,000? 65,000 चलाओ जी। हाइट क्वालिटी देखो सर गाय की कितनी शानदार है। तो किसान भाइयों गाय देख सकते हो, पहलवान बछड़ी 20+ लीटर दूध देगी, 65,000 में सेल की है। अभी कुछ दिन पेंडिंग है गाय के, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। पहले भी अंत की बछड़ी यहाँ से सेल हुई है गुजरात के लिए, और 20+ दूध देगी, काफ़ी शानदार क्वालिटी की है। कद काठी हाइट काफ़ी शानदार है बछड़ी की, बिल्कुल आपके सामने है, बड़ी ही उम्दा क्वालिटी की बछड़ी है, मात्र 65,000 में सेल हुई है। बछड़ी तो 20 लीटर वाली आपको 50 में भी मिल जाएगी, 40 में भी मिल जाएगी, लेकिन वो क्रॉस में मिलेगी, क्वालिटी ऐसी नहीं होगी। कुछ किसान कहेंगे कि 40 में बछड़ी मिल जाती है जी, हम भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, 40,000 में भी आपको 20 लीटर वाली मिल जाएगी, लेकिन वो गाय क्रॉस होगी, वो गाय आगे आपके फार्म को बढ़ोतरी नहीं करेगी, इतनी अच्छी ब्रीड नहीं होगी। जे गाय कौन से ब्यांत में जी? जी सर सेकंड लैक्टेशन में अभी। सेकंड में जी, ज्ञापन है में जी? हाँ जी ज्ञापन अभी क्रॉस। हाँ जी अभी 15 दिन पड़े हैं सर इसके भी। और दूध कितना करेगी? 20 लीटर जी। जो पिछली वाली गाय थी उससे इतना ही करेगी? उसके जितना ही करेगी 20 लीटर। ये देखो ये ब्रीड में है सर, ये क्रॉस में है। और क्रॉस का रेट क्या है जी? इसका 55 जी। 55 10,000 का फर्क आ गया, 10,000 का फर्क आ गया। ये सर ब्रीड में है, फुल ब्रीड में है सर, ये क्रॉस में है। तो किसान भाइयों दूध उसका भी 20 है, दूध इसका भी 20 है, ये 55,000 में है, वो 65 में है। कंपैरिजन, लाइव कंपैरिजन आप कर सकते हो, बिल्कुल आपके सामने है। 10,000 का फर्क आप देख सकते हो, फेस देख लो जो ब्रीड में आपको दिख रहा होगा, ब्रीड और क्रॉस में देखो ये फर्क होता है जी। नीचे कमेंट करके बता देना जो 10,000 का फर्क है आपको कहाँ पे लग रहा है। अभी इस गाय को चला दो जी। तो अभी आपको जय गाय चलाकर दिखा रहे हैं जी, दूसरे व्यंत की गाय है, 55,000 गाय का रेट है और क्रॉस में है, 20 लीटर दूध देगी, क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है, वो हमने आपको बता दिया क्रॉस है। तो जैसा रेट लगाओगे वैसी आपको क्वालिटी मिल जाएगी, अगर ज़्यादा क्वालिटी में जाओगे ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे लगे होंगे जो वो उसके बदले में आपको ज़्यादा दूध मिलेगा। अगर कम रेट में लाओगे तो कम दूध रहेगा, क्वालिटी कम रहेगी, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कितने रेट वाली आपने गाय खरीदनी है। ये किसान भाइयों आपने जशन डेयरी फार्म की गाय देख ली है, ठीक है, अलग अलग क्रॉस ब्रीड है सर, कुछ प्योर ब्रीड में है, ठीक है। जो भी किसान भाई अपना मतलब कि मेरे को बजट बताए, जो भी किसान भाई ने गाय खरीदनी है, ठीक है, वो जिन किसान भाइयों के पास टाइम है वो तो खुद आके खरीदे जी, ठीक है, यहाँ पे आके दो टाइम आके रुके, मिल्किंग करें, ठीक है, फिर उसके बाद खरीद यहाँ से लेके जाए, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है सर वो मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है सर, ऑनलाइन ऑर्डर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मेरी रहती है, साथ में हमारा केयर टेकर जाता है, वो यहाँ से गाय लेके जाता है। जितनी दूर महाराष्ट्र में जाता है तो दो स्टॉप आते हैं सर, वहाँ पे दो स्टॉपों के ऊपर जैसे गाय सुबह उतर, आज शाम को लोड करेंगे सर, अभी बाहर गाड़ी लगी हुई है जी, आज शाम को लोड करेंगे, वहाँ पे सुबह किशनगढ़ में उतर जाएगी एक स्टॉप पे गाय, वहाँ पे सर हमारा जो केयर टेकर होता है वो केयर करके शाम को वहाँ से लोड कर देगा जी, ठीक है। और जो भी मतलब कि किसी ने भी गाय खरीदनी है सर, सबसे बड़ी बात तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, और जिनसे वो खरीद रहा है सर उन आदमी को भी नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद गाय खरीदे सर, दो टाइम रुके, मिल्किंग करे, फुल अपना जब तक मन सेटिस्फाई नहीं होता सर, किसान ने पेमेंट देना है सर, पैसे देना उसने, ठीक है, और दो टाइम मिल्किंग करे, फिर उसके बाद गाय खरीद के लेके जाए सर। जैसन डेयरी फार्म की ये सभी गाय देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।